उत्तराखंड बड़ी प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है। एक बार फिर केदारनाथ जैसी तबाही की आशंका है। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। हाल में हुई बादल फटने की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और टिहरी समेत कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 308 संवेदनशील गांवों के विस्थापन की योजना भी अधर में लटक गई है। केदारनाथ त्रासदी भी बादल फटने के कारण ही हुई थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 10,000 अभी तक लापता है। उत्तराखंड में पहले भी बादल फटते थे, लेकिन अब मल्टी क्लाउड बर्स्ट यानी बहुत सारे बादल एक साथ एक जगह पर फट रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से कई जगह हालात खराब है। विशेषज्ञों के मुताबिक बादल फटने की घटनाओं में इसलिए भी तेजी आई है। वैज्ञानिक अतिवृष्टि के लिए वनों के असमान वितरण को कारण मानते हैं। उत्तराखंड के 70% क्षेत्र में वन, मैदानों में वन खत्म होते जा रहे हैं। मानसूनी हवाओं को मैदानों में बरसने के लिए वातावरण नहीं मिलता, जिससे बादल फट पड़ते हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।